हेलो दोस्तों, आज हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। मॉडल ब्लाउज की, इसमें एक नया लुक आएगा है। तो हमने इसका शोल्डर 6 इंच रखा है। 6 इंच पर हम इसका आर्म होल का निशान लगाएंगे और इसका इस तरह से हम बॉक्स बना देंगे। बॉक्स बनाने के बाद इसे हम राउंड शेप देते हुए इसे इस तरह से गोल कर देंगे। जब हम इसकी कटिंग करेंगे थोड़ा सा इसे नीचे की तरफ डाउन कर देंगे। इसे कटने के बाद इसका शेप अच्छा है और यहाँ से हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और यहाँ से इस तरह से लाइन खींचेंगे इसे, यहाँ पर भी ऐसे भी राउंड शेप देते हुए हम इसे काटेंगे। और इसे भी जब काटेंगे तो 1/2 इंच सॉरी इसे डाउन कर देंगे नीचे की तरफ। अब गले के निशान लगाएंगे। तो गले के मैंने इसमें डिजाइन दिया है, तो मैं इसमें 1.5 इंच पर निशान लगा सॉरी 2 इंच पर निशान लगाऊंगी। क्योंकि ये डिजाइन कटने के बाद इसका शोल्डर कुछ ज़्यादा ही दिखता है। और अब हम इसमें चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो मैं 36 इंच का बना रही हूँ, तो मैं इसमें 9 इंच पर निशान लगाऊंगी। मार्जिन के लिए मैंने इसमें लगाया 1 इंच, तो ये हो गया 10 इंच। और कमर इसकी 32 है तो 8 पर लगाऊंगी। और मार्जिन के लिए मैंने 2 इंच बढ़ाया यहाँ से। अब इन दोनों पॉइंट से मिला देंगे एक दूसरे को। अब हम यहाँ से गले की लेंथ नापेंगे। गले की लेंथ मैंने इसमें 6 इंच रखी है। यहाँ से और इसे हम 3.5 इंच रखेंगे इसकी चौड़ाई नीचे से। क्योंकि एक मॉडल गला है तो इसका शेप कुछ ज़्यादा ही आता है यहाँ से नीचे की तरफ से। इसे हम इस तरह से लेंगे। पहले तो हम इसका एक बॉक्स बनाएंगे इस तरह से। और इसे इस तरह से कितने इंच पर 3 इंच पर यहाँ निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद हम इसे इस तरह से करेंगे, तिरछा मिलाएंगे। थोड़ा सा ये बाहर की तरफ ही जाएगा हल्का सा। फिर हम इसे इस तरह से बनाएंगे जहाँ हमने 2 इंच का निशान लगाया था चौड़ाई का, इस तरह से। ये हमारे गले के निशान हो गए। अब हम इसमें टक्स का निशान लगाएंगे। तो मैंने इसमें 10 इंच पर निशान लगाया, 10.5 इंच पर। यहाँ से हम 3.5 लेंगे। अब इन दोनों पॉइंट से यहाँ से मिला देंगे कर्व शेप देते हुए। तो इस तरह से ये मिल जाएगा, मिला देंगे इसे इस तरह से। और यहाँ से हम 2 इंच अंदर की तरफ लेंगे। अगर हमारा यहाँ से कपड़ा कम होता है तो हमें जो हमने मार्जिन के लिए बढ़ाया था उसमें हम एडजस्ट कर लेंगे जब सिलाई करेंगे। तो यहाँ से हम शोल्डर को डाउन करेंगे। मैंने पहले करा नहीं इसमें, अब मैं कर रही हूँ इसमें। और यहाँ से हम
पहले हम इसकी कटिंग करेंगे, बाद में करेंगे और इसमें कटिंग जो भी होगी। तो हम पहले बैक पार्ट को काटेंगे और अलग करेंगे इसमें। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया अलग। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। यहाँ से इस तरह से काटने के बाद फिर हम इसे इस तरह से रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद हमें इसे यहाँ से 1 इंच उठाना है। यहाँ से और यहाँ से भी 1 इंच उठाना है। अब इन दोनों पॉइंट को इसे इस तरह से मिलाएंगे। और यहाँ से भी तो इस तरह से हमारी कटिंग ये मुझे हो गई है फ्रंट की। तो इसका शेप कुछ इस तरह से आएगा जब हम सिलेंगे ये। तो अब हम इसमें गले की कटिंग करेंगे। यहाँ से हम इस तरह से लेंगे। तो ये हमारे एक मॉडल गले की कटिंग हो गई। ये गला बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है इस तरह से। ये हमारे यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा यहाँ से। ये हमारा दूसरा पफ हो जाएगा यहाँ से। इस तरह से बन जाएगा। जब हम इसके कपड़े पे कटिंग करेंगे तो ये हमारा 1 पार्ट हो गया, ये हमारा 2 पार्ट हो गया। जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हमें आधा आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। और दूसरे पार्ट में भी हमें यहाँ से यहाँ तक एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, जिससे कि हमारे जो भी पफ बनता है वो छोटी नहीं पड़ेगी। और इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इसे एक पट्टी से लगा के। तो इस तरह से हमारे मॉडल गले की कटिंग हो गई। अब हम बैक की कटिंग करेंगे। बैक की कटिंग करने के लिए मैंने इसमें वी शेप दिया है इसमें गले में। यहाँ से हम थोड़ा सा इस तरह से लेंगे जिससे कि इसका गला और अच्छा खुल के आए। तो इस तरह से हमारा वी शेप वाला गला हो गया। ये हमारा बैक हो गया यहाँ से यहाँ तक, जिससे कि आपको ये मैं स्केच चला रही हूँ जिससे कि आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा किस तरह से हमारा गला बना हुआ है। यहाँ से हम पट्टी लगाएंगे और अंदर की तरफ आप इसमें पाइपिंग भी कर सकते हो और अंदर की तरफ फोल्ड भी कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा बनकर तैयार होगा। और यहाँ पे हम लटकन लगा देंगे बांधने वाली डोरी, जिससे हमारा और भी सुंदर हो जाएगा ये गला। तो ये हमारा बैक हो गया और ये हमारा फ्रंट हो गया। इस तरह से मॉडल गले की ब्लाउज की कटिंग हो गई। दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।